On behalf of Mr. Champa Chair, I would like to thank Ms. Anu Murata, Ms. Shweta Kanduri, Ms. Shami Gupta, Mr. Nikhil Gahai, and Mr. Mohit Manal to be a part of so much. Hey, Sunil. Hey, Sunil, bhai. ना ही सिर्फ बॉम्बे में शुरुआत के दिनों में एकदम एकदम जब मैंने शुरू किया था तब से चंपक जी जो है काफ़ी प्रोत्साहन उन्होंने दिया है और प्रोत्साहन देना एक बात होता है और काम देना दूसरी बात है। उसके बाद उन्होंने प्रोत्साहन के साथ साथ काम भी मुझे बहुत किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहित बहुत लोग बॉम्बे में करते हैं लेकिन दे डोंट गिव यू वर्ड, तो ही हैज बीन वन एक्सेप्शनल पर्सन जिन्होंने बहुत नए लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, उन्होंने शुरुआत में सपोर्ट किया है और ये गाना बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली मेलेडी जो है उनके साथ इन लोगों का अलग सा लगाव है, जैसे उनका हिस्ट्री देखिए, बाजीगर बोलिए, साजन बोलिए, ऐसे ऐसे गाने इन्होंने लोगों के सामने लाए हैं। तो हम बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत खुश भी है। संजीव ने बहुत अच्छा काम किया है ऑब्वियसली चंपक जी के मार्गदर्शन पर और शाहीन ने बहुत अच्छा लिखा है। एज आई सेड इन्होंने वीडियो को खूबसूरत बनाई है और बहुत अच्छा शूट भी किया गया है। तो आप लोगों को मेरा एक बहुत ही विनम्र जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसे पायरेसी को आप प्रोत्साहन ना दें और ओरिजिनल जो गाना है उसे आप ओरिजिनल साइट से, जैसे गाना में अवेलेबल है और भी साइट्स में अवेलेबल होंगे, उससे आप जो है गाना 15-20 रुपये में मिल जाता है ना, तो अगर आप उसे खरीदें तो ऐसे आगे जाके भी चंपक जी और भी लोगों के गाने बना पाएंगे और प्रोत्साहित कर पाएंगे। दिस इज़ माई वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन थैंक्स टू द एंटायर टीम एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। नहीं मैंने नहीं सिंगिंग तो मैंने देखिए मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर जो है ना मेरे लिए सिंगिंग वो है। अब कल तक मैं कलकत्ता में दिल्ली में कुछ और काम कर रहा था, आज जो एक बॉम्बे आया और इन लोगों के साथ फिर से चंपक जी से मिलना और एक गाना रिलीज़ होना, ये मेरा बैटरी को चार्ज कर रहा है। जैसे चार्जर आप ठीक से मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी लाइट जो है बंद हो जाएगी। मैं अगर अपने आप को म्यूज़िक से इंस्पायर नहीं रखूँ तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं करूँगा कि पॉलिटिक्स में ज़िंदगी चली जाती है और किसी चीज़ का समय नहीं मिलता। आपको जिस चीज़ से प्यार है और अगर अच्छे दोस्त हों, अच्छे वो हों, आपके भाई बड़े भाई हों, तो फिर आप म्यूज़िक में कुछ ना कुछ आपको जो है गाने का मौका मिलेगा। आई डोंट मिस म्यूज़िक बिकॉज आई एम वेरी मच इंटू दिल्ली और प्रधानमंत्री जी भी हर जगह पे मुझे गवाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। राजघाट जैसे जगह पर उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने गाने के लिए कहा। जब नेताजी के फाइल्स रिलीज हुए उनके घर पर उन्होंने कहा कि माहौल थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा बाबू लेक गाना का। वैन आई हैव द आशीर्वाद ऑफ द बॉस सो There is no harm in singing and there is no कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि पॉलिटिक्स में उससे गाना नहीं गा सकते। बाबूजी ने इतना अच्छा ये गाना गाया है कि मतलब सुनते ही मुझे ऐसा लगा ओके वाह आई हैव टू गेट इनटू दिस सॉन्ग। और इन्होंने जिस हिसाब से खूबसूरत मुझे दिखाया है नवल जी और मैं डायरेक्टर अजय, तो आई कैन जस्ट बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड द होल टीम। आई एम रियली ग्रेटफुल टू फॉर सच अ वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू जब मैं यू लाइक यू ऑफर यू आल्सो अबाउट द एल्बम एंड बाबूजी पार्ट अगेंस्ट द फैमिली। सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई भी गाना जो करता है तो उसकी मेलोडी बहुत जरूरी है, तो मेलेडी जिस गाने में हो तो ऐसा समझे कि आत्मा उसके अंदर अपना उसका सोल को ऐसे आ गया। तो जब मैं और बाबू और हम लोग जब संजीव और राइटर शाहीन है
ये सब हम लोग जब भी बैठे थे इसके सिंगल आने के लिए, तो हमने सबसे पहले तो मेलेडी का ही ध्यान रखा कि बाबुल को मैंने बोला था कि बाबुल हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मतलब आज क्या होता भूल जाए। आज ये गाना मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल के बाद भी सुनेंगे तो आपको आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अभी अभी आज ही बनाया। तो उसकी यही खासियत है कि उसकी लिरिक्स, उसकी मेलेडी और सिंगिंग, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन और खूबसूरत विजुअल जो बहुत ज़रूरत है आज की डेट। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ है बाबुल के साथ, जो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि बाबुल और हम लोग पहले भी बहुत बात कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसा गाना बने जो सबको याद रहे। तो ये हमारी पूरी टीम बाबुल के साथ और जितने भी मेरे डायरेक्टर हैं या मेरी कंपनी है मीनस है, सब लोगों ने मिलकर इस गाने को मतलब बहुत ही ज़बरदस्त उसको प्रमोट करना चाहेंगे और ये बहुत अच्छा बन पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें, इसको देखें और हमें और प्रोत्साहन करें कि हम बाबुल के आज ये पहला सिंगल रिलीज हुआ है। पहले भी हम मुझे याद है कि हंगामा फिल्म में एक बहुत सुपरहिट गाना परी परी जो बाबुल ने गाया था, वो इतना सुपरहिट हुआ था गाना। और ऐसे भी मतलब बाबुल से एक लगाव है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में भी वो मेरी कंपनी के साथ काम करें। और सबसे अहम बात, प्लीज़ पानी बचाइए हम लोग, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। जितना पानी वेस्ट ना करें, प्लीज़ कोई पानी वेस्ट ना करें। अभी आप देखेंगे वीडियो में भी पानी दिखाया गया है, लेकिन हीरोइन जो है उस पानी को ख़राब नहीं कर रही है, उसके ऊपर सिर्फ तैर रही है। पानी जहाँ है वहीं का ही है, तो हमें पानी वेस्ट। सर एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि आप पॉलिटिशियन हैं, क्या बात है सर, घर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपसे एक ऐसी सवाल पूछा जाएगा कि पानी महाराष्ट्र में बहुत कम है, तो बेसिकली की जो बसें हैं वो पानी से धो जाते हैं, वो भी पीने वाले पानी से। नहीं मैं एक मिनट डिस्कस करूंगा। पानी बसेस के लिए नहीं, मैं तो बोलता सब गाड़ियों के लिए बस कम करें। सिर्फ बाबुल की आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिएक्शन है बसों को जो पानी के धोया जाता है? देखिए कई बार जो है ना, हम लोगों को लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोष दे रहे हैं। हमें एक चीज़ मानना पड़ेगा कि हम ग्रीनरी को सेव नहीं किया, हमने हमारे जो धरती है उसके साथ उतना हमने बहुत अन्याय किया है। जिस तरीके का पॉल्यूशन है, लोगों ने जिस तरीके से सारे नदियों को जिस तरीके से पॉल्यूटेड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है उसका एक असर है। ये अच्छी बात है कि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि गर्मी जितनी है पानी की कमी जितनी है, वैसे मानसून भी दूसरे साल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा जैसे ब्रश करते वक्त, ज़्यादातर आदमी जो है अपना नल को खुला रखते थे जब तक वो ब्रश करते, तो छोटी छोटी चेंजेस अगर हम लाएँ तो मेरे ख्याल से ये पानी का जो समस्या है ये बॉम्बे का एक समस्या रहा है। और अगर बारिश कम हो तो दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू कम बैक टू अस। तो अगर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो डेफिनेटली हम इसका प्रॉब्लम हल तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी तो राहत तो डेफिनेटली। आप मंत्री हैं महाराष्ट्र, आपकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है, आपको लगता है कि अगर बेस्ट की बसों को पानी से ना धो के कोई और पानी से यूज़ किया जाए तो बहुत सारी। कोई और पानी मतलब क्या? अगर आप कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर से वो पानी ड्रिंकिंग वाटर से बसेस को धोया जाए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप कहीं पे भी जाएं, ऐसा हमारे कोई भी शहर में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये नहाने का पानी है, ये टॉयलेट का पानी है और ये ड्रिंकिंग वाटर है। ज़्यादातर जो नल से पानी गिरता है पीने के लिए ही होता है ज़्यादातर। लेकिन अब समस्या ऐसी इतनी गंभीर हो गई है चारों तरफ कि शायद हमें पानी में भी वो डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्ट्रिक्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो और जो बाकी बस को तो धोना ही पड़ेगा। आप पानी की जगह में किसी और चीज़ से तो आप यूज़ नहीं कर सकते। पानी को तालाब के अंदर लेके बाहर लाएं और पानी अंदर ही रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पानी जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएट करके उसको जुडिशियली यूज़ किया जाए, वही एक रास्ता है बस। बाकी हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसे चप्पल जी ने भी कहा है कि आप प्लीज़ गानों को ओरिजिनल साइट से आप डाउनलोड करके आप सुने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूज़िक इंडस्ट्री। और म्यूज़िक को जो प्रोत्साहन देते हैं जैसे वीनस है, चंपक जी है, उन सबको इंस्पायर्ड रखने के लिए, हम लोगों को इंस्पायर्ड रखने के लिए यही सबसे बड़ा उपाय है। आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और ये जो मैं बात अभी कहा इसको एडिट वर्ड कर दीजिएगा, ये भी लोगों तक पहुँचाएगा। ये देख सब आ गया रे। भाई 20 थोड़ा पीछे, एक मिनट।